मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और यदि मैं कहूं कि मुझे तराशने वाले भी, डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी, विशिष्ट अतिथि रविंद्र कुमार जो प्राचार्य हैं सीतापुर राजकीय महाविद्यालय के, इस महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सीमा जी, चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता जी, उपस्थित शिक्षक बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारी इस शहर के, मीडिया के प्रतिनिधिगण, विद्यार्थियों, यहां आकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। प्रार्थना जी के आदेश पर मैं यहां पे आया हूं। प्रार्थना सिंह जी है आपसे, ये है हमारे साथी हैं, उनकी भाभी हैं, इनका आदेश हुआ मैं यहां हाजिर हुआ। नाम प्रार्थना रखा है लेकिन इनका आदेश मेरे लिए। मित्रों, तो जब मैं कह रहा था पुराने दिन याद आ गए, तो ये संचालक महोदय बहुत शायरी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इनसे छूत की बीमारी मुझे भी लग गई। तो एक कहावत है, इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन एक शायर ने लिखा है कि कहना है गलत, इतिहास अपने को दोहराता है। वो लिखता है कि ये कहना है गलत, इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी जोश जवानी एक बार लौटाए तो। लेकिन मैं समझता हूं शायर किसी महाविद्यालय में गया नहीं होगा, किसी विश्वविद्यालय में गया नहीं होगा, वरना उसकी जो ये शब्द नहीं लिखता, ये शायरी नहीं करता, क्योंकि यहां पे आने से पुराने दिन याद आते हैं और जोश जवानी लौट आती है। तो आप लोगों ने मेरे को पुराने दिन याद दिलाए, इसके लिए सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि यह सम्मान हो रहा था या मान दी जा रही थी। प्रार्थना जी ने बुलाया तो था सम्मान करने के लिए, आपका समारोह है, लेकिन मांगों का सिलसिला किसी ने नहीं छोड़ा, बल्कि रवीन जी ने तो मौके का फायदा उठा लिया। उन्हें तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से मांगे प्रस्तुत कर दिए। वहां आते लखनऊ तो खर्चा करते, मुझे बुलाते तो खर्चा करते, लेकिन अब खतरा हो गया मुझे आपसे। चलिए, राष्ट्रभक्ति क्या है, समाज से जो हमने जिम्मेदारी ली है, दो पंक्तियों में वैसे राष्ट्रभक्ति की परिभाषाएं बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन दो पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि समाज से जो हमने जिम्मेदारी ली है, ये समाज ने हमको जो दी है उसका ईमानदारी से पालन करें, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। मुझे समाज ने दी है या मैंने ली है, ली इस ढंग से है कि घर घर जाके वोट मांगे थे मैंने, हाथ जोड़कर जनता ने मुझे वोट दिया, मैं विधायक बना, और दी इस तरह है कि मेरी पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूं। और देख रहा हूं पिछले कई दिनों से शिक्षा की दयनीय स्थिति को, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण रहे, शायद ही कोई देश या प्रदेश ऐसा होगा दुर्भाग्यशाली कि उस प्रदेश का या देश का कोई राजनीतिक दल इस नाम पर वोट मांगे कि हम आपको नकल का हथियार देंगे, इस नाम पर वोट मांगे। इस प्रदेश का दुर्भाग्य था,
कि इस प्रदेश में इस वजह से वोट मांगा गया, यह घोषणा करके वोट मांगा गया, यह प्रदेश का विभाग था। और पिछले उस शासनकाल में, योगी जी से पहले के शासनकाल में जो दुर्दशा को प्राप्त हुई शिक्षा, उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि कोई शिक्षार्थी है तो कोई शिक्षक है यहां पर। लेकिन जब योगी जी का कार्यकाल आया, 5 साल में इस ओर ध्यान दिया गया, अब योगी सेकंड में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, उसके सुपरिणाम सामने आ रहे हैं। जिस प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय नेक की रैंकिंग में बी प्लस से ऊपर कोई नहीं था, आप सब बधाई के पात्र हैं कि इस 9 महीने के अंदर 3 विश्वविद्यालय ए डबल प्लस पे आ गए और 5 महाविद्यालय उस मुकाम पर खड़े हैं जो कभी भी ए डबल प्लस ले सकते हैं। 3 में एक लखनऊ विश्वविद्यालय, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय और एक कल ही मिला है मेडिकल विश्वविद्यालय एजीएम लखनऊ से। तो यह परिवर्तन है, यह प्रवेश में परिवर्तन है, यह दिशा में परिवर्तन है, यह दशा में परिवर्तन है, यह कर रहे हैं। एनईपी जिसकी चर्चा होती है समय समय पर, अभी डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि लॉर्ड मैकाले की विधि शिक्षा पद्धति को हमको पढ़ाया जाता था, यही बच्चे बैठे हैं। यदि मैं पूछना चाहूंगा, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे इतनी बड़ी संख्या में कि गार्गी कौन थी, अपाला कौन थी, अरुंधति कौन थी। इतनी विदुषी महिलाएं हमारे समाज में हुई हैं, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी, इससे बड़ा दुर्भाग्य शिक्षा पद्धति का हो नहीं सकता। ये हमारे यहां पर उस शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, उस शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिए, बदलना है। ये जुमले हम बहुत सालों से सुनते चले आए, जिनकी जिम्मेदारी थी बदलने की, वो कहते थे हाँ बदलेंगे, और जो मांग रखते थे हम जैसे लोग, हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे छात्र जीवन में, कि शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है, काले अंग्रेज पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति है। ना बदलना है, बदलेंगे, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट था ना, बदलना चाहिए की मांग रखने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, नारे थे, हाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास एक छोटा ब्लूप्रिंट था, ये दिशा होनी चाहिए। लेकिन मेरा नेता मोदी आया इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री बने और हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, हर क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसका गर्व होना चाहिए हर बच्चे को। मैं अभी नीदरलैंड और पेरिस गया था, माननीय योगी जी ने मुझको भेजा, कुछ इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर लिया, और इत्तेफाक से मेरे बड़े जीजा जी जो इंदौर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स के, वो भी कभी अपने समय पेरिस और नीदरलैंड गए थे अपने काम से, शिक्षा के काम से। तो जब मैं जा रहा था, उनको वही दिन याद थे, बोले वहां पर बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है हिंदुस्तानियों को, तो बोले मैं जा चुका हूं। मैं भी पहुंचा, इन्वेस्टर से बात हुई, लगा उत्साह है सब में, सब काम करने के इच्छुक थे इस देश के अंदर। और फिर मैं पेरिस का इत्र मशहूर है परफ्यूम, उस दुकान पर गया। तो देखिए शिक्षा कहां से मिल जाए वह मालूम नहीं,
हर जगह से दरवाजे खुले रहने चाहिए, और खास तौर से हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि ज्ञान के दरवाजे चारों तरफ से खोले रखो, कहीं से भी मिले। तो वहां पर जब पहुंचा तो वो फ्रेंच में बात कर रही थी वहां पर जो सेल्स गर्ल थी, और अगर कोई फ्रेंच नहीं समझेगा तब वो दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश में बात करती थी। उन्हें गर्व था कि वो फ्रेंच बोलती है, फ्रांस की नागरिक। अगर आप फ्रेंच समझते हैं तो पहले फ्रेंच में बात। उन्होंने मुझसे फ्रेंच में बात की, मैं समझेंगी कि क्या। मैंने अपनी इंग्लिश में बात रखी तो उनका यू आर नॉट इंडियन और यू आर नॉट फ्रेंच। मैंने नो आई एम फ्रॉम इंडिया फ्रॉम यूपी। ओ यू आर मोदीज कंट्री, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, यू आर फ्रॉम योगी स्टेट। एकदम उन्होंने ऐसा प्रकट किया, मेरा सीना छप्पन इंच का हो गया। ये दिया है मेरे नेताओं ने देश और प्रदेश को। हर भारतवासी का सीना छप्पन इंच का कर दिया, ऐसे मेरा नेता मोदी है, मेरा नेता योगी। यह बदलाव है पूरे विश्व में भारत का। उसी बदलाव में ये शिक्षा नीति भी बदली गई। क्या ब्लूप्रिंट आया? परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, धीरे धीरे लागू हो रही है, लागू होगी, जिसके मूल बिंदु में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, ये मूल बिंदु है उसके, जिसकी परिधि में पूरे कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी और बन रही है, नीति बनी है। आने वाली नस्लें सच्ची भारत की नागरिक तैयार हो, वह शिक्षा नीति है। यह बदलाव दिया है। मित्रों, यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। कोई कुछ करेगा तभी कमाल हो पाएगा उससे। यूं ही कोई योगी नहीं बन जाता। कोई कुछ कमाल तो करना सीखे, कुछ करे तो सही। और जब जिसके नेता ऐसे हो उसके लिए मजबूरी होगा उसके फॉलोअर्स के लिए वो कुछ करें। हम लोग करने निकले हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं हमारे मंत्री, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदल चुका है यूपी का। एक समय मैं खुद जानता हूं, आगरा से चलता था, लखनऊ पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, और उस समय मारुति कार थी मेरे पास, उसका ट्रम्पेट बज जाता था, मैकेनिक के पास जाती। आज गिलास रख दे पानी से भर हुआ अच्छा लगता नहीं है, आगरा से जहां 3.5 घंटे में रखते। तो ये सब जो बदलाव आया है, ये बदलाव संकल्प का परिणाम है जो हमें सिखाया गया कि देश के लिए काम करना है। आप लोग सब शिक्षित हो रहे हैं, और शिक्षा में शिक्षकों से वास्ता पड़ता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव, तीन को देवता के बारे में बताया गया कि दर्शन शास्त्र कहता है कि तीन देवता है हमारे, ये हमारा दर्शन कहता है। क्यों? क्योंकि पुत्रात शिष्यात पराजयम्, पुत्र और शिष्य से पराजय की कामना होती है। हर पिता माता ये चाहते हैं कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, उसकी संतान उससे आगे बढ़े। हर शिक्षक ये चाहता है कि उसके शिष्य उससे आगे बढ़े। निस्वार्थ यदि कोई रिश्ता है तो यह रिश्ता है। इसलिए आप लोगों को याद रखना होगा कि किसी प्रतिमा में भगवान हो ना हो, लेकिन प्रतिमा में भगवान होता है, ये याद रखना होगा।
पिता देवतुल्य होते हैं ये याद रखना। देखिए जब हम लोग कष्ट में होते हैं, कोई बीमारी हारी दर्द, ओ मैया रे, ओ मैया रे निकलता है मुझसे, और जब कोई खतरा आ जाता है बाप, तो खतरे में पिता याद आता है और कष्ट में मैया याद आता है। तो ये लिए हमारे लिए देवता तुल्य होने चाहिए, आप सबको सीखना होगा। जब मैं किसी वृद्धाश्रम में जाता हूं तो मुझे आंसू आते हैं कि इस देश में वृद्धाश्रम जो इतनी महान संस्कृति का देश, इतनी उदात्त संस्कृति का देश, जिसमें राम, जिसने राम दिए कृष्ण दिए, लेकिन सिखाएगा कौन? आप सब शिक्षक हैं, थोड़े बात उनसे ही वार्ता करना चाहूंगा। मांग की बात बाद में करूंगा, चिंता मत करिए, क्योंकि अधिकार भी चाहिए तो कर्तव्य का भी भान होना चाहिए। मेरे एक तीसरी कक्षा में पढ़ता था, हमें बहुत शिक्षकों ने पढ़ाया, पहली से लेके एमए और एलएलबी तक, बीएससी में। तो जगन्नाथ पंडित जी थे, आज तक उनका नाम याद है। क्यों? क्योंकि वो हफ्ते में एक दिन हमको कहानियां सुनाते थे, पढ़ाई से अलग हटकर। गुरु भक्त बालक, पितृ भक्त बालक, देश भक्त बालक, उनकी कहानियां सुनाते थे, और उस कोरे कागज पर, अब मेरे अवचेतन पर जो अंकित हो जाती थी भावनाएं, वो उन्होंने हमें दिशा दी, वह गुरु कहलाए गए। मैं उनको गुरु मानता हूं। शिक्षक बहुत थे, लेकिन गुरु के रूप में आज भी याद करता हूं। न जाने स्वर्ग में कहां होंगे, लेकिन आज भी उनकी याद है मुझे। मैं बीएससी में आया, मुझको विद्यार्थी परिषद में काम करता था, नगर मंत्री बना। नगर मंत्री बनकर अखबार में छोटा सा फोटो भी आया कि विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री मनोनीत किया है, जिसको प्रिंट मीडिया वालों ने छाप दिया। कॉलेज पहुंचा, बधाइयां बधाइयां बधाइयां, कुछ लेक्चरर्स ने भी दी, कुछ अपने छात्र नेताओं ने, छात्रों ने भी दी। जी सी शर्मा एक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हमको, उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया, बोले बहुत बड़ा दायित्व मिला है तुमको, क्या करोगे? अब एक अपना सीनियर लेक्चरर या एक प्रश्न पूछ ले किसी छात्र से अपने कोर्स से अलग हटकर, तो अटपटा जाएगा ये व्यक्ति। मैंने कहा सर, विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करूंगा। बोले नहीं, सिर्फ ये काम नहीं है। तो मैंने कहा हर आगरा के हर विद्यालय के कॉलेजों में, विद्यालय के हर कॉलेज में एक एक विद्यार्थी परिषद यूनिट खड़ी हो जाए, संगठनात्मक काम ये करूंगा। बोले नहीं, ये काम भी नहीं था। फिर बोले विद्यार्थी परिषद में रहकर कुछ ऐसा कर जाना छात्रों के लिए, विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, आने वाली नस्लें याद रखे, वो काम होगा तुम्हारा। तो दिशा दी मुझको, और वो आज तक मुझे याद है कि जो जिम्मेदारी मिले उसको ऐसा कुछ कर जाऊं कि आने वाली नस्लें याद रखे। जैसे आगरा में लोग कह रहे हैं ना कि आगरा की समस्या थी पानी, पलायन कर रहे थे लोग, ईश्वर ने मुझे विधायक बनाया, बहुत बड़ी समस्या दूर हुई, आगरा का भागीरथ कहते हैं मुझे। लेकिन करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा, ईश्वर करता है करा हमसे रहा है वो अलग बात है, ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन करने का वही प्रयास होना चाहिए। कुछ ऐसा कर जाओ जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, जीसी शर्मा साहब ने, ये फर्ज है हम शिक्षकों का कि हम इन बच्चों को ऐसा बताएं कि इनकी दिशा भी बदले और दशा भी बदले। प्रतिभाओं को तलाशिए और फिर उन्हें तराशिए। अभी दो प्रतिभा मैंने यहां देखी, एक हैदर और एक श्रद्धा।
इतनी मधुर आवाज है इनकी, इनको दिशा मिलनी चाहिए, इनको तलाशना चाहिए। तलाश तो लिया नहीं, इनको भेजिए आप तो कौन से कंपटीशन होते हैं, इंडिया वगैरह वगैरह, वहां भेजिए इनको। और कुछ उन्होंने काम में मुझे बात बताई है, सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा, उसमें जो मेरा योगदान होगा मैं कराऊंगा उस बच्ची के लिए। तो हमको देखना चाहिए कि इन बच्चों में प्रतिभा छुपी हुई है, तलाश करें। सचिन तेंदुलकर आमेचर ने बनाया था, उसने देख लिया था कि इसमें प्रतिभा है। मैं इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ, नॉर्थ इंदिरा कॉलोनी आगरा में, मैं निकल रहा था तो एक बालक को मैंने शॉट, 7-8 साल का बालक था, क्रिकेट खेल रहा था, शॉट मार रहा था, परफेक्ट शॉट पड़ रहे थे उसके। मैंने उसको देख कर रुका, मैंने किसके बच्चे हो तुम, तो बोला इकबाल साहब के, हमारे महीने इकबाल साहब रहते हैं। मैं उनके पिता के पास गया, मैं उसको भेजिए कहीं कोचिंग, नहीं मैं व्यवस्था करता हूँ, जो वहाँ पे आए कोच थे वहाँ पे उसको बातचीत कराई, रणजी खेला है। तो प्रतिभा छिपी हो जाती रहती है, कभी मर जाती है, खत्म हो जाती है। कौन तलाशेगा, कौन तराशेगा, सिर्फ अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे क्या हम लोग? वो जरूरी है, अपने अधिकार जरूरी है, लेकिन ये जरूरी भी है कि हम शिक्षक नहीं, हमें गुरु बनना है। बहुत कठिन है डगर प्रगति की, शिक्षक से गुरु बनने की डगर कठिन जरूर है, लेकिन है। आपने मांगे रखी बहुत सारी, इस पर भी एक शेर पढ़ दूं। कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, यह सलीका और हर बात सुनी जाती है। अब कुछ मांगे हैं जो मेरे से संबंधित हैं, लेकिन यही अगर मुझे 1 महीने पहले मिल गई होती तो इनमें मैं इस बजट में उनकी मांग कर लिया होता। आज ही मुझे दस्तखत करने तो कल थे, कल मैं आगरा में था, वहां से आया हूँ रात के 2 बजे, आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अब जाके सुबह ACS का फोन आया था कि सर वो करके जाएंगे, मैंने कहा मैं लौट के करूँगा, अब ऐड नहीं हो सकता, लेकिन इनको प्रयास करेंगे कैसे हो, तो अगली बार के बजट में इनको ले लिया जाएगा। और जहां तक लैब की बात थी, वो बजट में रखा है जनरल स्मार्ट लैब के लिए मांगा है हमने पैसा, स्मार्ट लैब में आपकी लैब शामिल कर लेंगे, ई लाइब्रेरी, इसके लिए भी प्रयास करेंगे, अब मिल जाएगी कोई बड़ी बात नहीं। और ओवरब्रिज ट्रांसपोर्टेशन सड़कें, और वो कह रहे हैं बड़ा दर्द है, कितनी बातें कहें, कह दर्द परेशान है बेचारा किधर से उठे। लेकिन ये सब मांगे हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स की, लेकिन मैं आप लोगों से जुड़ा हूं, आप लोग इतना बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसा बताया कि 3,000 से 4,000 के करीब विद्यार्थी, और विद्यादान सबसे बड़ा दान है, रिजल्ट सब बहुत अच्छा आता है, हाँ रिजल्ट भी अच्छा है, मेहनत भी करते हैं आप लोग, और एक दिशा दे रहे हैं, एक तराश रहे हैं इन लोगों को। तो आप तो एक तरह से खुदा की इबादत कर रहे हैं, कहीं दूर है मस्जिद चलो यूं कर चलें, कहीं दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर चलें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इन बच्चों को आप हंसी दे रहे हैं, इनको जीवन की नई दिशा दे रहे हैं,
तो एक खुदा की इबादत है ये, इसीलिए शिक्षा दान महादान माना गया हमारे यहां। तो जो चीजें और डिपार्टमेंट की हैं, मैं अपने फर्ज से मंत्री से कहूंगा, और ये बोले कि ना खुदा ही मिला ना बिसाले सर, तो खुदा मैंने देखा नहीं है, बिसाले सर मैंने दिलवा देंगे, चिंता नहीं। धन्यवाद।